तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर में सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यारे होंगे। तो गाइस, ठंड का सीजन आ चुका है और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, बहुत दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड ना करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर गाइस क्या करूँ, कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, आप बोल सकते हैं कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस, इन सबको कटआउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे नेल आर्ट के बारे में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक सी बात करना चाहती हूँ कि हमारे नेल इंडस्ट्री में, ये जो इंडस्ट्री है नेल की, बहुत बड़ी है गाइस। पर आपको नेल आर्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए गाइस, क्योंकि जो आप नेल्स देख रहे हो ना, ये आप जो नेल्स देख रहे हो, इनका सबसे पहले लॉन्ग लास्टिंग होना जरूरी है गाइस। ये कोई मैटर नहीं करता कि हाँ आपको आता है या आप चिपका लेते हो या कुछ घंटों तक चल जाता है, काम तो निकल जाता है, ऐसा नहीं है गाइस। जब आप प्रॉपर वे में अपने क्लाइंट पे काम करोगे गाइस, तो क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा कि आपका जो ये नेल है एटलीस्ट 13 या 15 डेज तक तो चले ही चले गाइस। तो गाइस, बहुत बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट आप लोग को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग भी नए नए नेल इंडस्ट्री में आना चाहते हो या नेल आर्ट करना चाहते हो गाइस, या खुद के लिए भी आप अपने घर पे ऐसे नेल्स करना चाहते हो गाइस, तो आपको सबसे बेसिक सी चीज़ें कौन सी करनी है, या फिर आप कर रहे हो नेल आर्ट में, आप ऑलरेडी हो, बट जो आपके नेल जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रहे हैं, आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो सारा काम कर रही हूँ बट मेरा जो नेल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो क्यों नहीं रहा है, तो गाइस कहीं तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। तो उसी मिस्टेक को गाइस मैंने भी किया था, और उसी मिस्टेक को मैंने ठीक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, सो मैं बना रही हूँ गाइस। सबसे पहले गाइस, हमारा ग्लू, नेल का जो ग्लू होता है वो अलग होता है, और हमें इस इंडस्ट्री में गाइस बहुत लोग बताते भी नहीं है क्योंकि वो सीख जाएगी गाइस, इसीलिए नहीं बताते होंगे शायद, या फिर बताने के लिए कोई अलग सा प्राइस चार्ज करते होंगे, मुझे तो नहीं बताया गया था। एटलीस्ट मैंने खुद से मेहनत किया है गाइस, और मैंने खुद से ही सीखा है गाइस, मैंने कहीं पर इसकी कोई ट्रेनिंग या कोई क्लास नहीं लिया हुआ गाइस, बस यूट्यूब के हेल्प से गाइस मैंने ये क्लास ऑनलाइन मैंने अपने घर पे अपने पार्लर पे किया, और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बैठ के बना रही हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा गाइस ये ग्लू, 401 का ग्लू गाइस, आप इसे देख सकते हो गाइस, मैंने इसे यूज़ भी किया हुआ है, ये खुला भी है, अभी इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह ये खुलता है। तो इस तरह से है ये, और इसका ये से डबल इसका कैप दिया हुआ है गाइस। गाइस, अगर आप नेल आर्ट नए नए बिगनर्स हो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो या सोच रहे हो या ऑलरेडी इस लाइन में हो और आपके नेल्स जो है लास्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, तो आप इस ग्लू को एक बारी खरीद लो गाइस। पूरे YouTube में मुझे एक प्रॉपर वीडियो नहीं मिला गाइस कि मैं कोई एक अच्छा सा नेल ग्लू खरीद पाऊँ, क्योंकि मुझे कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, कोई डायरेक्टली ये नहीं बता रहा है कि जो हमारे नेल्स है इन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए या चिपकाने के लिए प्रॉपर ग्लू कौन सा है। तो गाइज, ये है आपका प्रॉपर ग्लू। मैंने इसका ये बताने के लिए आप लोगों को कोई अलग से पैसा वगैरह नहीं लिया गाइस, ये मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं जो इस लाइन में नई नई आई हैं, जो सीखे वो अच्छा काम करे, मेरा यही पर्पज़ है गाइस, मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है इसको बताने का, ठीक है गाइस। ये कोई भी पेड प्रमोशन बोल के यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस। तो ये ग्लू आप देख रहे हैं गाइस, आप इसे खरीदो गाइस, आप इसे एक बार ही खरीदो और फिर आप इसके साथ काम करो, ठीक है, इसके साथ काम करो, फिर आपको जो रिजल्ट है गाइस बहुत बेस्ट मिलने वाला है। सेकंड, इस ग्लू को अगर आप यूज कर रहे हो गाइस, तो हमें जो नेल जो है, नेल टिप जो कहा जाता है गाइस, हमें इस नेल टिप को यूज करना है गाइस, या आप ये ले सकते हो या फिर आप इसी से मिलता जुलता हुआ ले सकते हो गाइस। वो जो 100 रुपए में 100 नेल आता है ब्लू कलर का गाइस, आप उसको बाय मत करना गाइस, वो प्रोफेशनल के लिए नहीं है गाइस, वो आपका 1 से 2 घंटा तक चलेगा, इसके बाद वो खत्म है गाइस, वो मतलब मान के चलिए वो खत्म है। और इसे अगर आप लोगे ना गाइस, तो आप ना सोचोगे कि हाँ ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं किया, मुझसे कहाँ मिस्टेक हो रही थी, आप ये समझ पाओगे। मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने परचेस किया था अमेजोन से, इसकी टिप इस तरह से आती है गाइस, ठीक है, ये सामने में ऐसे रहता है और एंड में ऐसे रहता है गाइस, इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, बट मुझे इसका कुछ खास वो समझ में आता नहीं है, मैं जैसे करती हूँ अपना नॉर्मली कर लेती हूँ,
और आप देख सकते हो गाइस इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली बिगनर्स को। गाइस बिगनर्स मतलब इतना अपना माथा, इतना दिमाग लगाते हैं कि हाँ कहीं से मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए इस पे। तो गाइस इसीलिए मैं बना रही हूँ, बेसिक चीज अगर आप कर रहे हो गाइस तो सबसे पहले ये इस नेल किट को खरीदो और इस ग्लू को खरीदो, 401 को। मैंने दोनों ही अमेजोन से परचेस किया था गाइस और मैं दोनों से ही बहुत खुश हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस आप लोगों को इसे खरीदने के लिए गाइस। तो फ्रेंड्स मैंने अपना एक्सपीरियंस जो था, अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा था गाइज वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग भी अच्छा काम करो, अच्छा नाम कमाओ गाइज। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।